हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये जरूर आपको जानकर जाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपके राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड कम्प्लीट हो चुका है। अब बात आती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें जो एमसीसी कनेक्ट करवाती है आपके राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड जो काउंसलिंग करवाई है वो आपके एमसीसी ने करवाई है, लेकिन जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी वो कॉलेज वाइज होगी, वो एमसीसी कनेक्ट नहीं करवाएगी। अब देखिए नोटिस के अंदर क्या डाला गया है, ये पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर से आपको एक और मौका मिला है। कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, कौन कौन स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर लाई है। अनअकैडमी नीट के एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए आपको बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू क्लासेस दिलवाएगी। आपका क्रैश कोर्स रहेगा, एक उम्मीद बैच नाम से होगा, जो कि आपका 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ जो इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपको क्लास देने वाली है वो डॉक्टर आनंद मानी सर, दीपक वशिष्ठ सर, विक्रांत किरार सर, अमन कुमार सिंह सर एंड महेंद्र सिंह सर के थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स है। नेक्स्ट आपका अल्फा अचीवर बैच नाम से होगा, जो कि आपका 4 जनवरी को आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ जो क्लासेस दी जाएगी वो डॉक्टर अमित गुप्ता सर से, शुभकर्ण चौधरी सर, अजय कुमार मिश्रा सर, प्रतीक जैन सर, रमेश श्रद्धा सर और संदीप नौडियाल सर के थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप किस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आप जब ऐप को ओपन करेंगे तो आपको मैनेज गोल्स से एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप मैनेज गोल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको नीचे स्टेप 2 के अंदर नीट UG लिखा हुआ मिलेगा। नीट UG के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 3 पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको दिखाएगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 3 मंथ का चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 12 मंथ चाहिए या फिर 24 मंथ चाहिए। तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मान लिया जाए कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके ओपन होकर आएगी कंफर्म डिटेल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो आपका देखिए यहाँ पर रेफरल कोड मांगा है। रेफरल कोड क्यों मांगा है, आपको अगर फीस ज्यादा लगती है तो आप, मेरा रेफरल कोड है PRIYA2010, वो रेफरल कोड आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जितनी भी फीस होगी उसके अंदर 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो रेफरल कोड क्या है, PRIYA2010, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते है। या फ्रेंड्स आप अगर अनलॉक करना चाहते हैं कोई भी टेस्ट, अगर आपको फ्री में टेस्ट देना है तो भी आप PRIYA2010 रेफरल कोड यूज करेंगे तो डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनरोल कर सकते हैं और अनलॉक हो जाएगा आपका टेस्ट, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेड टू पेमेंट करेंगे, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हो जाएगा फाइनली। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अनअकैडमी को, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और बेस्ट एजुकेटर्स ये प्रोवाइड करवाता है। इंटरेक्टिव लाइव सेशन होती है, इनकी क्लासेस होगी और स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पूरा कोर्स आपका कवर करवाया जाता है, PDF फाइल आपको दी जाएगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, अगर आपको इनरोल करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि आपका लेटेस्ट रिलीज हुआ है। तो गाइडलाइंस दी है फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका ओपन हो चुका है, कब से कब तक रहेगा वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिस के अंदर मिलेगी। क्या दिया है, फॉर नीट UG कोर्स MBBS एंड BDS 20 to 21 के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये MCC से ही मैंने उठाया है, तो इंट्रोडक्शन में टोटली वही मिलेगा कि जो 100% जो आपकी सीट्स थी उसमें 15% का रिजर्वेशन होता है, ऑल इंडिया कोटा का होता है, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, JMU, BHU ये सब आपके इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो 15% होता है वो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट होते हैं, 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा आपका होता है। तो ये आपको खुद से पढ़ना है, मैं ओनली वो पॉइंट्स लूंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए जनरल गाइडलाइंस आपको पढ़नी है अच्छे से। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई कितने राउंड हो चुके हैं। जैसे इसमें यहाँ पर क्लियरली दिया है कि राउंड वन एंड राउंड टू और ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड, ये चार राउंड आपके होते हैं, ठीक है। इन चार राउंड के अंदर से आपके राउंड वन टू मॉप अप राउंड आपके कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका बचा हुआ है जो कि एमसीसी आपका कंडक्ट नहीं करवाएगी, वो डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जिपमर, एम्स, जो भी है रजिस्टर्ड कॉलेज वही अपने एलिजिबल कैंडिडेट का काउंसलिंग खुद से करवाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग के अंदर तो एमसीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहाँ क्लियरली दिया है, देख सकते हैं। आगे आपका दिया है जो जनरल गाइडलाइंस है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है कि जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी उनका 10 टाइम स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, पूरा आपको पढ़ना है। 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स जितनी भी होगी उसके 10 टाइम्स आप स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। आगे दिया है कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो भी टाइम दिया है वो आपका एडेक्वेट है, और पार्टिसिपेट करने से पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, कितनी सीट रिमेनिंग है वो आपको देखनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है वो सब आपको देखकर जाना है, ठीक है। आगे दिया है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपको जिस भी कॉलेज से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, तो वो आपको देखना है। कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। आगे दिया है कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी आपकी नहीं लगने वाली है, ठीक है। और फिजिकल प्रेजेंस कैंडिडेट का होना जरूरी है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको जाना है, तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिजिकली वेरीफाइड होंगे, वो कॉलेज अथॉरिटीज के थ्रू आपके होने वाले हैं। तो आगे दिया है डिटेल जो रहेगी एडमिटेड कैंडिडेट की वो वही रहेगी जो एमसीसी के पोर्टल पर डाली गई है कॉलेज अथॉरिटीज के थ्रू। आगे है आपका कैंडिडेट को जरूरी है कि वो फिजिकली ही प्रेजेंट रहे, और उसके अब्जेंस में यदि कोई और पर्सन आता है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। आगे दिया है कॉलेज मस्ट मेक द होल अलॉटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बाय रिकॉर्डिंग द सेम एंड मेंटेनिंग द सीसीटीवी फुटेज, ठीक है। जो स्टूडेंट जाएंगे जो अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा वो फुली आपका फेयरली होने वाला है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज रहेगी, पूरा आपका रिकॉर्ड होने वाला है। आगे है जो एनआरआई सीट्स थी वो भी अलॉट की गई है जिन कैंडिडेट को, वो एनआरआई जो कैंडिडेट लिस्ट रहेगी एलिजिबल लिस्ट एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां आप देख सकते हैं, डायरेक्टली वहीं पर आपको मिलने वाली है। और जो सभी प्रिकॉशंस रहेंगे कोविड-19 के उनको भी टेक केयर आपको करना है जब आप कॉलेज में एंट्री करें तो। और जो रिजल्ट रहेगा वो आपका जो जिस भी कॉलेज से आपने पार्टिसिपेट किया है उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वो रिजल्ट मिलेगा। आगे दिया है कोई भी जो टाइमलाइन गाइडलाइंस है वो इससे ज्यादा और एक्सटेंड नहीं की जाएगी, और एनी लीगल कॉम्प्लेंट इंक्वायरी ऑफ बाय एनी अथॉरिटी ड्यू टू मिस्टेक डिफॉल्ट अगर ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है स्टे वैकेंसी राउंड के काउंसलिंग के अंदर तो एमसीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पर्टिकुलर कॉलेज ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस मिस्टेक के लिए। आगे दिया है कि स्टे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन जो तैयार किए हैं वो कॉलेज लेवल के ऊपर होंगे और कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। आगे दिया है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि सभी को अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन जरूर देखनी है कॉलेज के वेबसाइट पर, जिस भी कॉलेज के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उस कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, तो वो आपको देखकर अच्छे से तब जाना है। आज जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर दिया है वो है स्टे वैकेंसी राउंड फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली विल बी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ वीएमएमसी एंड एसजेएचएस है। तो जो स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली का वो कंडक्ट करवाया जाएगा वीएमएमसी और एसजेएच के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोटिस था, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर तो इन पूरे पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।